हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं अभी फिलहाल उपस्थित हूँ लोड़ी माता के मंदिर पर। तो यहाँ पे आपको एक बेसक बहुत ही जरूरी जानकारी देना है, जो बहुत से लोग रहते हैं आते हैं वो गलती करते हैं, तो उस चीज के बारे में आपको एक जानकारी देना। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और भाई जो भी भाई लोग नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लोड़ी माता से जुड़ी जानकारी हम अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एनके व्लॉग खोरी पर इस पर अपलोड करते रहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो भी भाई लोग लोड़ी माता के लिए कुछ भी फंड, मतलब जैसे कि चढ़ावा होता है, अगर आप चढ़ावा देना चाहते हो हमारे जरिए, जैसे आप दूर से हो, काफी दूर से, और आप कुछ रुपए देना चाहते हो, तो आप हमारे पेटीएम नंबर पर, मतलब पेटीएम कर सकते हो, फोनपे पर फोनपे कर सकते हो, और उसमें नीचे लिख सकते हो आप, मतलब लोड़ी माता के लिए हैं। वहाँ पे आप मैसेज, मतलब पहले पेटीएम करके उसके बाद आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, और वहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे लोड़ी माता के लिए हमने दिया, तो हम यहाँ आके चढ़ा देंगे। तो और अगर आप हमारे लिए, हमारी मेहनत के लिए देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो आपके लिए। तो चलिए हम फिलहाल आपको बताते हैं। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं सादा पूजा लेके आते हैं, और कई लोग बकरा वगैरह लेके आते हैं, तो सादा पूजा लेके आते हैं उनके लिए ठीक है, और बकरा वगैरह लेके आते हैं तो उनके लिए भी ठीक है। बट जो सादा पूजा लेके आते हैं, बहुत से लोग क्या सादा पूजा के साथ जो क्वार्टर रहता है, जैसे कि दारू बोलते हैं, तो सादा पूजा, जैसे कि किसी ने सादा पूजा बनाई जो पीता खाता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनने सादा पूजा बनाई, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, एक पौआ रहता है जो दारू बोलते हैं, उसे दारू चढ़ाते हैं। तो भाई ये जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो हवन में कई लोग दारू चढ़ा के जाते हैं, तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जैसे कि दोस्तों लोड़ी माता पर दारू तो लगती है, ये सही है कि दारू लगती है, बट सादा पूजा के साथ नहीं लगती। अगर आप साथ में बकरा या मुर्गा कोई या फिर बैल से पूज रहे हो, मतलब मांस वगैरह से पूज रहे हो, तो आपको दारू जरूरी है, आपको जरूरी ही है दारू। क्योंकि दारू के बिना, जैसे आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सादा खाना के साथ दारू क्या पिए, तो इसी कारण जैसे कि बकरा वगैरह की अगर आप बलि दे रहे हो तो दारू जरूरी है। और आप सादा पूजा दे रहे हो, जैसे कि खीर माल पुआ बनाए आपने या पूड़ी पुआ बनाए, सादा पूज रहे हो, तो आपको दारू इतनी ज़रूरी नहीं है, ना ही अंडा ज़रूरी है आपके लिए। सादा पूजा पर ना ही अंडा ज़रूरी है, ना ही दारू। और आप अगर फिर भी आप खुशी से देना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट लोड़ी माता सादा पूजा पर ना ही अंडा लेती है और ना ही दारू लेती है। और आप खुशी से जो भी देना चाहो फिर वो अलग बात है। बट और आई होप कि आपको वीडियो समझ आ ही गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए हम आपको दर्शन और करवाते हैं।